ओके चैटर, वेलकम टू द नो प्रॉब्लम टेक्निकल टिप चैनल, और मैं हूं आपका दोस्त बाबर अली। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने जो फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड किस तरह चेंज कर सकते हैं। ये काम काफ़ी ज़्यादा एडिटर के मदद से किया जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा नाम आते हैं, अडोब फोटोशॉप और पिक्सल आर्ट वगैरह, या रोल ड्रा भी से भी हम इसको एडिटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, उनमें थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक बैकग्राउंड चेंजर, काफ़ी इजी। तो गाइस, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा नो प्रॉब्लम टेक्निकल टिप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन को क्लिक कीजिए और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूले। इससे आपको हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड इरेजर, और गाइज आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और मैं इसकी अगर रेटिंग्स की बात करूँ तो इसकी रेटिंग है 4.5 की रेटिंग है इसकी, और 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। उसके बाद अगर हम इसके कमेंट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे कमेंट्स हैं इसके। और चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं यहाँ से इसको बैकग्राउंड चेंजर को ओपन कर लूँगा। अगर फर्स्ट टाइम आप इसके ऊपर ओपन होंगे तो ये आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट की वो मांगेगा, आप उसको अलाउ कर दीजिएगा। तो गाइज़, कुछ इस तरह का फेस हमें इसको देखने के मिलेगा। हाउ टू यूज्ड सबसे पहले लिखा हुआ है, और उसके बाद FAQ लिखा हुआ है, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम एस्क लिखा हुआ है, शेयर का ऑप्शन है, और लोड अ फोटो का ऑप्शन है। आप यहाँ देख सकते हैं, वो बता भी रहे हैं इसको किस तरह यूज़ करना है। असल में काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये बैकग्राउंड इरेजर का मालूम है, लेकिन इनको यूज़ करना ठीक से नहीं आता। हम यहाँ से लोड अ फोटो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये फर्स्ट एक फ़ोटो है, मेरे पास ये फ़नी फ़ोटो है। तो गाइज़, आप यहाँ से देख सकते हैं, हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, यानी कि जिस हिसाब से हम इसको, अगर हम इतनी फ़ोटो रखना चाहें तो यहाँ से डन कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए डन का ऑप्शन है, मैं पूरी रखूँगा। तो गाइज़, यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ दो तरह के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले है कटिंग का ऑप्शन है, उसके बाद ऑटो का है। ऑटो में आपके पास अगर ये देखिए, ये वो हाथ से हो रहा है। ऑटो में अगर आपके पास ये देखिए एक कलर का एक जैसे रंग है तो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, जिस तरह ये देखिए। उसके बाद ये अब ऑटो में इस तरह ख़त्म हो गया। उसके साथ है हमारे पास मैजिक। मैजिक में हम देख सकते हैं ये इस तरह डाउनलोड हो डिलीट होगा। देखिए, अगर आपके पास गलती से ये फेस वगैरह या कोई हिस्सा कट जाता है तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक तीर का निशान नज़र आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, दोबारा क्लिक कीजिए, और फिर ये उस तरह से आपके पास आ जाएगा। उसके बाद है एक और ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसके ऊपर से क्लिक करके भी आप इस तरह से इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जूम का ऑप्शन है, जूम आप कर सकते हैं। जूम करने के बाद आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं जितना भी। देखिए, यहाँ से आप किसी तरीके से इसको बचा कर सकते हैं। और अगर आपके पास डिलीट हो, और यहाँ पर ये देखिए एक रिपेयर का ऑप्शन भी है, अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते तो जहाँ जहाँ से आप करना चाहते हैं, ये देखिए इतना इतना अगर आपको रिपेयरिंग में वापसी चाहिए तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। तो गाइस, और ये देखिए यहाँ पर ये दो तीन और ऑप्शन है। ऑटो में आप देखिए इस तरह से ये देखिए बैकग्राउंड चेंज होता जा रहा है, जिसका एक जैसा रंग है। ये इजी तरीका है। तो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।